गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल में इंडियन ब्लॉगर मनिका कौंडल। तो आज हम कर रहे हैं सुबह सुबह, ये बस आटा गूंद रही हूँ मैं, और साथ में हम लोग आटा गूंद रही हूँ मैं, बथुआ डाल के गूंद रही हूँ, और साथ ही साथ बथुआ का रायता बनाएंगे और जीरा आलू की सब्जी बनाऊँगी मैं। ये बथुआ मैंने बॉईल कर लिया है, देन इसका पानी निकाल के थोड़ा सा इसको, बथुआ निकाल के अलग से इसको थोड़ा सा मैश करके मैं दही में डालूंगी। बथुआ को अच्छे से मैश कर लें, इसके बाद इसको दही में डालें, और ये काफ़ी अच्छा रहता है, विंटर्स में गर्म होता है तो काफ़ी अच्छा रहता है ये। उसके बाद ये सिंपल सी आलू की सब्जी है ये मैंने बनाई है, और रायते के लिए बस ये बना लिया है मैंने। ये मेरे को थोड़ा सा चप्पल का है मेरी, खाने में चप्पल डालो मेरे में, चलो जल्दी कर। आलू की सब्जी, रायता बथुए का और रोटी, तो मैंने इसको ब्लेंडर की हेल्प से कर लिया। चप्पल डाली भाई थी बिना चप्पल के, तो मैं इसको डालती थी, और ये देखो रायता फैलते हैं, इसको कहते हैं रायता फैलना। ये मैंने ब्लेंडर से किया थोड़ा सा, तो बाहर फैल गया था ये। चलो शूज ले लें, तो साई भाई हमें खाएगी गोलगप्पे है ना, ये बैग के टिकट। वो तो ऐसे हिला मत ना इसको, पहनते हम वीडियो ऐसे बोलने के लिए करते हैं। ये देखिए साइबा गोल्डर को शूज ऐसे लेते हैं ना, थोड़ी फैंसी हो जाए, मतलब थोड़े जैसे गोल्डन कलर के। बिग साइज रखते हैं, तो फ्रेंड्स अभी मिल रही हूँ मैं शाम को आपसे, और पीछे वो टब में कपड़े हैं, वो सूखे हुए कपड़े, और अभी बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे बस पीछे वही है, और हम थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करके मैं और साहिबा आ गए थे शाम को, 4:30 बजे हम पहुंच चुके थे। देन उसके बाद थोड़ा सा आराम किया, और बर्तन वर्तन अभी मैंने क्लीन किए हैं, और शाम एकदम से हो जाती है सर्दियों में, बिल्कुल भी आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता, कि कोई थोड़ी देर सोने की अगर सोचे भी ना तो मतलब सारा दिन चला जाता है, इसलिए मैं सोती भी नहीं हूँ दिन में, चाहे मैं जितना मुझे थक जाऊँ, हाँ थोड़ी देर लेट जाती हूँ, गर्मियों में फिर भी सोया जाता है, सर्दियों में बिल्कुल भी सोया नहीं जाता। और अभी मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्जी, और साथ में बनाएंगे हम रोटी, राजस्थानी गट्टे की सब्जी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या क्या शॉपिंग करके आए हैं आज। ज़्यादा कुछ नहीं लिया, छोटा छोटा सामान लिया है, वो दिखाऊंगी आपको मैं। और मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्जी, और ये मैंने तैयार कर लिया है, बेसन का
होता है ये गट्टे, जिसको नहीं पता, और पानी बॉईल कर रही हूँ। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा देन इनको मैं इसमें ऐड करूँगी, और जब ये पक जाएंगे ना, ये अपने आप थोड़ा ऊपर तैरने लग जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि गट्टे पक चुके हैं। देन इसको फिर निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, देन इसको कट करेंगे और फिर उसकी ग्रेवी में डाल के उसको सब्जी बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, पूरी रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, ऐसे ही जस्ट फटाफट से दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैं कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया मैंने, जो जिस पानी के अंदर मैंने ये गट्टे बॉईल किए हैं ना, इस पानी को मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि ये सही पानी है, ये ग्रेवी में यूज़ खाने के टाइम पे। इन दोनों बच्चों को भी भूख सी लग रही है, तो ये हर चीज के साथ ये ब्रेड ले रहे थे, तो मैं इनको कह रही थी देखो इस टाइम पे खाना बन बन रहा है और तुम लोग ये सब खा रहे हो। तो ये हमारी लहसुन की चटनी और साथ में गट्टे की सब्जी गरम गरम रोटी के साथ। तो ये है वो कुछ सामान, ये तो सोहम के अंडरगारमेंट्स हैं, ये छोटू सा पर्स लिया मैंने, ये नेल्स फिर से गंदे लग रहे हैं, ऐसे नेल पॉलिश हो जाता है तो बहुत गंदा लगता है। ये साहिबा का हेयर बैंड है, नेकलेस है साहिबा के लहंगे के साथ, ये इसका ब्रेसलेट, सब साहिबा का ही है, और ये है इयररिंग्स, मेरे हैं ये, और ये साहिबा की बैंगल्स हैं। आवाज़ आ रही है क्या, मैं जोर से बोलती हूँ, ये साहिबा की बैंगल्स हैं और ये कुछ हेयर क्लिप्स हैं। ये साहिबा का है और ये मेरा है, और एक ये है मेरा, तो बस ये लेके आए थे हम कल और ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। और ये है ये साहिबा का, ये पिंक वाला, और बस ये कुछ लिया हमने, और इसके लिए भी हमें 2 घंटे लग गए थे। तो फ्रेंड्स, करती हूँ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।